नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का केपेल एक्सपीडिशंस में। तो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि अब विंटर्स में प्लानिंग कर रहे हैं हिमाचल आने की, हिमाचल में भी खासकर मनाली आने की। तो आज का ब्लॉग उनके लिए है। तो गाइज, आज हम कर दिखाने वाले हैं आपको स्नो ड्राइव जो कि है सिसु में ली गई, अटल टनल से सिसु और सिसु से बैक अटल टनल। तो ये बहुत खूबसूरत स्नो ड्राइव होने वाली है और अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं मनाली आने के लिए तो इस स्नो ड्राइव को ज़रूर करना। तो सारी डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दी लोकेशन की, लोकेशन कौन सी है। ये है सिसु की लोकेशन जो कि पड़ता है मनाली से लगभग 36 किलोमीटर के आसपास, 36 to 40 किलोमीटर के आसपास। और इस तक पहुंचने के लिए आपको टनल अटल टनल से जाना पड़ेगा और अटल टनल से पहले सोलांग वैली तक जाना पड़ेगा। सोलांग वैली मनाली से 13 किलोमीटर है और अटल टनल है लगभग 28 किलोमीटर और फिर सिसु आ गया जो कि है 36 to 40 किलोमीटर। तो रोड है बहुत अच्छा है, तो आप कभी भी जा सकते हैं, बट विंटर्स में यहाँ जाने के थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं और कौन कौन सी जो बातें हैं ध्यान में रखना है आपको अगर आपने ऐसी स्नो ड्राइव पे जाना है। सबसे पहली बात, आपके पास एक 4x4 गाड़ी होनी चाहिए और उसमें भी एक बेस्ट बात है, अगर आपके पास कोई लोकल फ्रेंड है या फिर आपकी बुकिंग है किसी लोकल के साथ जो कि आपको 4x4 गाड़ी में मनाली से लेकर लाहौल ले जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर आप चंडीगढ़ की गाड़ी है, दिल्ली की गाड़ी है, तो उसमें आपको अलाउ नहीं करेंगे वो अटल टनल के बाद, या फिर मैक्सिमम जहाँ तक जैसी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है उसके बाद रोक देते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, अगर मान लो शाम को 4 बजे स्नोफॉल होने वाला है बट आप 1 बजे 2 बजे निकल गए हैं लाहौल के लिए, तो भाई तब तो आपको नहीं रोकेंगे वो। बट अगर इन केस आपको स्नोफॉल चालू मिलता है, मान लो धुंधी में या सोलांग वैली में थोड़े थोड़े स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, बट उसके बाद आपको सोलांग वैली से आगे नहीं दिया जाएगा जाने। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तब थोड़ा शायद हो सकता है चांस कि आपको आगे जाने दिया जाए, बट अगर आपकी गाड़ी दिल्ली की है, यूपी की है, कहीं और की है, तब मुश्किल है आपको चांस की आगे दें। बट अगर आप स्पेशली स्नो ड्राइव के लिए आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि दिसंबर 25 के बाद ही आएँ, जैन में आएँ तो सबसे बेस्ट है, तब आप मनाली में भी स्नो ड्राइव एंजॉय कर सकते हैं और लाहौल में भी एंजॉय कर सकते हैं। देखो, आप जैन में जाओ, फेब में जाओ, अभी दिसंबर में जाओ, अगर स्नोफॉल होगा तो सेम डिट्टो लाहौल वैली कुछ ऐसी ही लगेगी। तो बहुत खूबसूरत रहती है स्नो ड्राइव, तो इसीलिए रिकमेंड करूँगा कभी भी आप मनाली जाओ तो स्नो ड्राइव तो ज़रूर करना। हाँ, थोड़ा सा अगर यहाँ पे बजट की बात करें कि कितना लगेगा, क्या होगा, तो देखो बजट थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल डेज़ में जाना है तब, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में आपका जो सिसु तक पहुँचने का खर्चा है वो छोटी गाड़ियों में 2000-2500 मैक्सिमम 3000 रख लो, बट स्नोफॉल के टाइम या स्नो राइड के टाइम आपको ये डबल देना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है भाई वेंडर टू वेंडर, कौन सा आपने टैक्सी सर्विस यूज़ की है या फिर कौन सा आप आपने चूज़ किया है 4x4 गाड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके खर्चे होंगे। अगर हो सके तो ज़्यादा अगर लोग हैं आप तब आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट अगर आप कपल हैं या फिर 2-3 लोग हैं तब आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा गाड़ी ले जाना। अदरवाइज़ अगर ग्रुप में हैं तो आप जिप्सी हायर कर सकते हैं, तो वो आपको आराम से छोड़ देगी, वो आपको आराम से स्नो ड्राइव करवा सकती है, बट उसमें भी थोड़ी सी ये है कि तबीयत ख़राब होती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भाई जिसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है वो आगे बैठे हैं और जिसकी कम वो पीछे बैठ सकते हैं। तो गाइस बताओ कि कैसी लग रही है ये खूबसूरत स्नो ड्राइव, चारों तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो। तो चलिए, थोड़ी देर आप एंजॉय ले लीजिए स्नो राइड का, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेंगे तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारी बाहर की गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, तो इनको कैसे अलाउ किया है यहाँ पे? तो गाइज़ यहाँ पे बता दूँ, जैसे मान लीजिए आज स्नोफॉल होता है और परसों तक अगर रास्ता क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप स्नो ड्राइव में देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल साफ है, इसके ऊपर स्नो नहीं जमी हुई है, तो ये कब होता है? ये होता है नवंबर के टाइम पे या फिर स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। बट दिसंबर 15 के बाद ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ऊपर बिल्कुल लेयर मिलेगी स्नो की और ख़ासकर ब्लैक आइस की, उसके बाद टोटली बंद हो जाता है बाहर की गाड़ियाँ या फिर छोटी गाड़ियाँ खासकर। तो उसके बाद सिर्फ 4x4 गाड़ियों का ही यू नो आप जा सकते हैं उनको लेके, अदरवाइज़ अगर आपको दूसरी कोई गाड़ी है तब आपको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए याद रखना, जब भी ऐसे ब्लैक रोड होगा, मीन्स जो रोड दिखाई दे रहा है, तो तब अलाउ करते हैं, तब कहीं नहीं रोकते हैं। अगर रोड बिल्कुल क्लियर होगा तब बिल्कुल नहीं रोका जाता आपको, तब आपको लाहौल तक जाने दिया जाएगा। तो ये कब होगा? ये होगा 15 दिसंबर से पहले पहले, ऐसा मौसम होता है मेनली जब फ्रेश स्नोफॉल होता है और रोड पे ज़्यादा नहीं जमती है स्नो।